5 जुलाई को वन महोत्सव के तहत जिले में लगभग 36,52,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है, जिसमें 15 लाख पौधे वन विभाग लगाएगा। इसके अलावा 21 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी अन्य विभागों को दी गई है। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि शासन के लक्ष्य के सापेक्ष वन विभाग के पास इस समय 65 लाख पौधे उपलब्ध हैं। इसी के साथ कुपोषण को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर ग्राम पंचायत में 2 लाख से अधिक सहजन के पौधे लगाए जाएंगे। प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 5 जुलाई को चिड़ियाघर में 40,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे जिले में 36 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार ने कहा, गोरखपुर जनपद में टोटल 36 लाख पौधे लगाने हैं हम लोगों को, जिसमें 15 लाख वन विभाग लगाएगा और 21 लाख हमारे सहयोगी विभाग लगाएंगे। और 5 जुलाई को सुबह 9 बजे चिड़ियाघर, जो निर्माणाधीन चिड़ियाघर है, वहां से इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मंडलायुक्त महोदय और ADG सर दोनों लोगों को पर्सनली हमने इन्वाइट किया है और सर लोग आ भी रहे हैं। और चिड़ियाघर से ये फ्लैग ऑफ होगा सेरेमनी, और उसके बाद पूरे जनपद में जगह जगह सभी विभाग अपना अपना प्लांटेशन करेंगे। कितना सब वन विभाग लगाएगा, बाकी विभाग कितने हैं? 15 लाख वन विभाग लगाएगा और 21 लाख के करीब में सहयोगी विभाग है। तकरीबन 20 से अधिक विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, इसमें कोई चीफ गेस्ट या नोडल अधिकारी भी बुलाए गए हैं? अभी तक तो आधिकारिक रूप से सूचना नहीं मिली है, परंतु हम लोग आशा कर रहे हैं कि प्रभारी मंत्री जी उस दिन 5 तारीख को हो सकता है आ जाए। आदरणीय सदर विधायक महोदय को निमंत्रण भेजा है और पर्सनली बात भी की है कि 5 तारीख को 9 बजे आकर के सेरेमनी को फ्लैग ऑफ कर देते हैं प्लांटेशन के ड्राइव को। चिड़ियाघर में सर कितना वृक्ष लगाएंगे? चिड़ियाघर में टोटल हम लोग 48,000 पौधे लगा रहे हैं, जिसमें टिम्बर स्पीसीज, शोभाकार पौधे, ग्रासेस, क्रीपर्स, सब कुछ इंक्लूड करके 48,000 है। टोटल 47 विभिन्न प्रजातियों के वृक्षारोपण की जा रही है वहाँ पर। पूरे बाउंड्री के अलॉन्ग हम लोग वहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं और ये भी उसी दिन हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। सहजन के वृक्ष भी लगाने थे, कहाँ रहे जी? सहजन के लिए टोटल गोरखपुर में हम लोग 2,35,000 के करीब सहजन है, जो हम लोग एक रफ कैलकुलेशन ये करके चल रहे हैं कि 1,352 जो ग्राम सभाएं हैं, प्रति ग्राम सभा प्रति घर एटलीस्ट 2 सहजन उपलब्ध करा दें हम लोग। इसी तरह से उसकी आवंटन भी की जा रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में एटलीस्ट 2-2 सहजन आपूर्ति हो जाए। सर, कितने पौधे होंगे अभी आपके पास जल्द से जितना निर्धारित अपने पौधे हैं उससे? जी देखिए, 36 लाख पौधे तो लगाने थे, उसके एवज में 65 लाख पौधे गोरखपुर जनपद में हमारे पास हैं। सिमिलरली महाराजगंज का जो 5 ब्लॉक है वो भी गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत ही आता है। वहाँ पर अब विभागीय 7,28,000 विभाग को लगाना था, वन विभाग को, और तकरीबन 6,30,000 पौधे अन्य विभागों को देना था पौधे। 6,30,000 की जगह वहाँ पर हम लोगों ने तकरीबन 9.5 लाख पौधे आपूर्ति कर रहे हैं महाराजगंज में अन्य विभागों को, 3 लाख ज़्यादा। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा पौधे हमारे नर्सरी में है और सभी विभाग को हम लोग जितना डिमांड आ रहा है, इवन मोर देन टारगेट, वो भी हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं। सर, रख रखाव क्या व्यवस्था है? देखिए, विभाग के लिए, वन विभाग की जहाँ तक बात करें तो वन विभाग के लिए अनुरक्षण का पैसा आता है, जिसमें हम लोग वाउचर के तहत उसको प्रोटेक्शन करते हैं। मनरेगा जो ग्राम विकास वृक्षारोपण कराती है, उनके लिए भी मनरेगा के तहत अनुरक्षण का पैसा आता है, परंतु कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पर अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता नहीं होती है और अपने स्तर से इसमें सहयोग करना पड़ता है। परंतु इस बार आशा ये कोशिश ये की जा रही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन एक कैंपस के अंदर हो, 4 दीवारी के अंदर हो, तो देट वो पौधे लगे तो वो बचे। और इसी चीज़ को और सभी विभाग को थोड़ा मोटिवेट करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पौधों को बचाएं।